हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालन चैनल से आज फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कॉपर वायर के अनुसार एमसीबी का साइज, मींस जो हम घरों में या कहीं भी इंडस्ट्री में, कॉमर्शियल में, जहां कहीं भी हम यूज करते हैं। तो आज हम ये जानने वाले हैं कि वायर के अकॉर्डिंग कितने की एमसीबी लगनी चाहिए। मान लीजिए कि 4 mm का वायर है तो उसके अकॉर्डिंग कितने की एमसीबी लगनी चाहिए, सिंगल फेज या 3 फेज जो भी है उसके अकॉर्डिंग। तो आइए, वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, इसमें बने रहिए आप अंत तक, आज आप ये सारी बातें जान जाएंगे। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फ्रेंड, देखिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है वायर साइज mm², यानी एरिया लिया रखा हुआ वायर का कि कितने एमएम का वायर है। वैसे एमएम बोलते हैं लेकिन होता ये mm² है, क्योंकि वायर का एरिया होता है, कंडक्टर का एरिया होता है। ये है एमसीबी साइज। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली क्या होता है, हम एमसीबी तो देख लेते हैं लेकिन हम एमसीबी के अकॉर्डिंग कितने एमएम का वायर लगाना चाहिए और वायर के अकॉर्डिंग कितने एमएम की एमसीबी, एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए, ये जज करना मुश्किल हो जाता है। अगर हमें ये टेबल पता होगी तो हम इजीली ये पता कर सकते हैं कि हमें वायर के अकॉर्डिंग कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए, क्योंकि वायर का भी फ्रेंड लोड के अकॉर्डिंग ही होता है कि कितने एम्पियर के लिए ये वायर सक्सेसफुल है, और उससे ज़्यादा जाने पर वायर खत्म हो जाएगा। अगर वायर ही खत्म हो जाएगा तो एमसीबी आप चाहे 40 की जगह 63 की लगाओ या 100 एम्पियर की, तो उससे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ सीरियल नंबर डाला है, नंबर 1। यदि हमारा वायर का साइज 0.5 mm है, फ्रेंड ये सिंगल कोर वायर की बात करिए, जो फ्लेक्सिबल वायर घरों में यूज होता है या कंट्रोलिंग में यूज होता है या लाइटिंग में यूज होता है, मैं वहाँ की वायर की बात कर रहा हूँ, ये केबल के लिए नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, केबल भी जो 2 कोर की होती है उनके लिए यूजफुल है। फ्रेंड 0.5 square mm के लिए हम 2 ampere यानी 2 ampere की एमसीबी यूज करनी चाहिए। अगर 0.5 mm का वायर है तो उसके लिए 2 ampere से ज़्यादा की एमसीबी यूज़ ना करें। मान लीजिए हमने 0.5 mm का वायर है और हमने एमसीबी उस पर 16 ampere की लगा दी, तो बताइए 16 ampere की एमसीबी लगा के तो वेस्ट है ना, क्योंकि वायर ही 0.5 mm का है तो वो लोड तो 2 ampere से ज़्यादा लेगा नहीं, 2 ampere 3 ampere उससे ज़्यादा तो वो खराब हो जाएगा, 4 ampere। मान लीजिए मैक्सिमम 0.5 mm का वायर कॉपर का 6 ampere झेल लेगा, लेकिन जैसे ही 5-6 ampere जाएगा वो जल जाएगा, बस्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो 16 ampere की एमसीबी लगा के क्या फ़ायदा, वो ओवरलोड ट्रिप करेगी नहीं वो। ठीक है, तो इसलिए फ्रेंड 0.5 mm के लिए आप 2 ampere की एमसीबी लगाइए, बिल्कुल सही रहेगी। 0.5 mm का साढ़े तीन एम्पियर तक लोड होता है जो हम लोड के लिए लगाते हैं इसको सिंगल फेज पे, तो 2 ampere की एमसीबी सफिशियंट है। ठीक है, सेकंड नंबर है फ्रेंड 1 mm का, यानी 1 square mm का अगर वायर है तो उसके लिए सिंगल फेज, चाहे वो लाइटिंग हो, चाहे कोई इक्विपमेंट हो, चाहे घर में सॉकेट हो, कुछ भी हो, उसके लिए हम 6 ampere की एमसीबी लगाएं। कितने की लगाएं? 6 ampere की। अगर मैं बात करूं 1.5 square mm 1.5 square mm, तो मोस्टली घरों में हमने देखा है फ्रेंड 1.5 square mm का ही वायर सारे में यूज कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ऐसा होता है। फ्रेंड जहां हमें 1 mm के वायर से सफिशियंट काम हो जाएगा वहां हम जो है 1.5 mm का वायर क्यों यूज करें। अच्छा, आप इससे एक चीज और भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा 1 mm का वायर है और 6 ampere की एमसीबी, तो आपको यह क्लियरली पता चल जाएगा कि 1 square mm का वायर जो है 6 ampere तक लोड सफिशियंटली ले लेता है, यानी 6 ampere से ऊपर लोड जाएगा तो एमसीबी ट्रिप करेगी, यानी 6 ampere तक का अगर लोड बन रहा है किसी सर्किट का तो उस पर आप 1 mm का वायर इजीली लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है, तो आप ये भी क्लियर कर सकते हैं। सेकंड, 1.5 square mm के लिए 10 ampere की एमसीबी लगा सकते हैं। फ्रेंड नॉर्मली आपने देखा होगा 1.5 square mm का वायर ही पूरे घरों में ज़्यादातर लगा देते हैं। आप देखिए 10 एम्पियर का लोड उस सर्किट में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मान लीजिए एक बल्ब जगह जलाना है और 1.5 square mm का वायर लगा रहे हैं, तो फ्रेंड वो चीज़ ठीक नहीं है। एक बल्ब जलाने के लिए 0.5 mm का वायर लगाइए और 2 ampere की एमसीबी लगाइए, सफिशियंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप मैच कर सकते हैं। 3, 4 नंबर है 2.5 mm, 2.5 mm का वायर अगर है, 2.5 mm का वायर अगर हम यूज कर रहे हैं तो उस पर हमें 16 ampere की एमसीबी लगानी चाहिए। फ्रेंड 16 ampere की एमसीबी का मतलब है कि आप 16 ampere से कम की तो लगा सकते हैं, वो सही है। ठीक है, लोड के अकॉर्डिंग, मान लो हमने 2.5 mm का वायर यूज किया है और आप उस पर, अभी आपको पता नहीं है कि जो 2.5 mm का हमने लगाया है उसमें कितने एम्पियर का लोड लगेगा, तो लोड के अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करके 2.5 ampere निकाल लिया, तो उसमें 16 ampere की एमसीबी लगा दीजिए, वो सफिशियंट है। लेकिन अगर 10 की लगाते हैं, 6 की लगाते हैं, 2 की लगाते हैं, तो इनको भी ये मना नहीं करेगा, ना ही कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो सही है वो 16 ampere की है। ठीक है, 5 नंबर, 4 square mm के लिए, 4 square mm के लिए फ्रेंड 20 ampere या 25 ampere की एमसीबी लगानी चाहिए,
और जो इंडस्ट्री में लगती है या जो हम ड्राइंग के अकॉर्डिंग घर बनाते हैं, ड्राइंग जो इलेक्ट्रिकल की बना के देते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग होती है। मान लीजिए हम वायरिंग कर रहे हैं तो पहले लोड निकालेंगे, लोड के अकॉर्डिंग वायरिंग सेट करेंगे, वायर का साइज निकालेंगे, वायर का साइज निकालने के बाद जो सर्किट आएगा उसके अकॉर्डिंग एमसीबी ऐसे ही डिफाइन होती है और उस पर वो 25 एम्पीयर की एमसीबी ड्राइंग के अकॉर्डिंग लिख के देगा, वो सही होगी। 20 एम्पीयर या 25 एम्पीयर की लगा सकते हैं। अगला है 6 mm, यानी 6 square mm का अगर वायर है तो 6 square mm के लिए 32 एम्पीयर की एमसीबी लगाइए। अगर 10 square mm का वायर है, फ्रेंड मैं कॉपर वायर की बात कर रहा हूँ ये याद रखिएगा, 10 square mm कॉपर का है तो 40 एम्पीयर की लगाइए, 16 square mm का है तो 63 एम्पीयर की। नॉर्मली मैंने देखा है कि हर जगह 63 एम्पीयर की एमसीबी लगा देते हैं फ्रेंड, तो 63 एम्पीयर की एमसीबी तो लगा दी, क्या लोड उसके अकॉर्डिंग है? तो फायदा क्या 63 एम्पीयर लगाने का? मान लीजिए लोड तो चला रहे हो 20 एम्पीयर, ठीक है, और एमसीबी लगा दी 63 एम्पीयर की, तो वो ओवरलोड तो 63 एम्पीयर पे जाके ही होगी ना। 20 एम्पीयर की एमसीबी लगा दी, अब वो 20 एम्पीयर के अकॉर्डिंग 25 एम्पीयर लेगा तो वायर खत्म हो जाएगा और वो जो इक्विपमेंट लगा वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन वो ट्रिप नहीं करेगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, 25 square mm, जो 25 square mm का सिंगल कोर कॉपर का वायर रहता है, फ्लेक्सिबल केबल आता है 25-25 की टू कोर का, उस पे हमें जो है 80 एम्पीयर की एमसीबी लगानी चाहिए। 35 square mm के लिए 100 एम्पीयर की एमसीबी लगानी चाहिए, और अगर 50 square mm कॉपर का यूज कर रहे हैं तो उस पे 125 एम्पीयर की एमसीबी या एमसीसीबी लगानी चाहिए फ्रेंड, ठीक है। ये 125 एम्पीयर और 160 एम्पीयर की एमसीबी आती हैं, एमसीबी भी आती हैं और एमसीसीबी भी आती हैं, तो इजीली एमसीसीबी अवेलेबल होंगी आपको इन दोनों की, लेकिन रेयर में अगर आप डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कहीं मांगेंगे स्पेशली तो 125 और 160 की एमसीबी भी आपको मिल जाएगी। अगर 70 square mm का वायर है तो 160 एम्पीयर की एमसीबी लगाइए, अगर एमसीबी नहीं मिलती तो 160 एम्पीयर की एमसीसीबी लगाइए। लेकिन एमसीसीबी फ्रंट सिंगल पोल या डबल पोल या टीपी नहीं आती, टीपीएन नहीं आती, वो फोर पोल ही आती हैं या टीपीएन आती हैं, मतलब एमसीसीबी आती हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको पता चल गया होगा कि कितने स्क्वायर एमएम के लिए कितने एम्पियर की एमसीबी या एमसीसीबी लगानी चाहिए। 100 एम्पियर की एमसीबी तक इजीली मिल जाती है, 125 और 160 की रेयर में मिलती है, अगर नहीं मिलती है तो एमसीसीबी लगाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और घरों में और इंडस्ट्री में जो वायरिंग हम करते हैं तो वायरिंग में मैक्सिमम आपको 6 square mm तक का कॉपर का वायर मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता है रेयर में। उसके बाद हम एल्यूमिनियम पे आ जाते हैं, 16, 25, 35 एल्यूमिनियम पे आ जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनमें ये एमसीबी नहीं लगती, वो ओवर रेटिंग कम हो जाती है। ये कॉपर के लिए है फ्रेंड, मैंने यहाँ लिखा हुआ कॉपर वायर के अनुसार, ठीक है फ्रेंड्स। आइए मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ। देखिए एमसीसीबी मैंने यहाँ लिखी हुई है, 100 एम्पीयर की आती है, 125 की आती है, 200 की आती है, 250 की आती है, 315 की आती है, 400 की आती है, 630 की आती है, 800 की आती है, 1000 की आती है, 1250 और 1600 इतने तक की आती है। ये 1250 तक की ईजिली मिल जाएगी आपको, 1600 की थोड़ा कठिन मिलती है, हो सकता है एलएनटी की मिल जाए, हो सकता है एलएनटी की ना मिले, स्नाइडर की मिले, किसी एक की, ऐसे करके मिल जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कितने एमएम के वायर के साथ कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी चाहिए, वो सही है। मान लीजिए 80 एम्पियर की एमसीबी लगी है और लोड उसके अकॉर्डिंग है तो आपको पता चल जाएगा कितने एमएम का वायर लगाना चाहिए लोड के अकॉर्डिंग। अगर 80 एम्पियर लोड आ रहा है तो आपको 25 एमएम का वायर लगाना चाहिए, इससे आप वायर भी निकाल सकते हैं फ्रेंड। ये एमसीबी है, 100 एम्पियर की एमसीबी लगानी है तो आप उस पर जो है 35, यानी 100 एम्पियर यानी 80-90-95 एम्पीयर लोड आ रहा है, 80 से ऊपर का लोड आ रहा है तो आप उस पर 35 एमएम का कॉपर वायर लगाइए, ठीक है। अगर 125 एम्पियर लोड आ रहा है यानी 100 से ऊपर 125 तक एम्पियर का तक लोड आ रहा है तो उस पर 50 एमएम का कॉपर का वायर लगाइए। इसके अकॉर्डिंग आप वायर भी निकाल सकते हैं और एमसीबी भी निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आप मुझे अगर कुछ पूछना है तो आप मेरी वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।